बीजेपी पूरे देश में घबरा गई है। महागठबंधन के एकजुटता को देखते हुए अंग्रेजों से बहुत इनका रिश्ता बीजेपी वाले लोग का अच्छा रहा है, इसलिए पैसा उधर से ही पंप किया जा रहा है। यहाँ महागठबंधन इंटैक्ट है, यहाँ कोई भी तोड़ने को तैयार होगा वो अपने टूट जाएगा। और लालू प्रसाद यादव सबके गुरु हैं, इसलिए उनके नेतृत्व में ही पूरे बिहार के महागठबंधन के लोगों के द्वारा पूरा देश को दिशा दिया जा रहा है। सारे बीजेपी के लोग घबराहट में अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। पता नहीं, बिहार ही वो धरती है जहाँ देश का दिशा तय होता है। विधायक भाई वीरेंद्र ने बीजेपी पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने बीजेपी के फुल फॉर्म को बताया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी बड़का झूठा पार्टी है, और इसके साथ ही बीजेपी को लेकर के क्या कुछ कहा है भाई वीरेंद्र ने, आइए सुनाते हैं। आप पत्रकार बंधुओं से मैं कहना चाहूँगा कि बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी होता है, और बीजेपी का मतलब भारत जलाओ पार्टी भी होता है। उनके नेता क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, देश की जनता बखूबी देख रही है और जान रही है। और महागठबंधन की एकजुटता को देखते हुए बीजेपी के लोग बौखलाहट में हैं और अनाप शनाप बोल रहे हैं। उनके बोलने का कोई मतलब नहीं है। बीजेपी पूरे देश में घबरा गई है। महागठबंधन के एकजुटता को देखते हुए सारे बीजेपी के लोग घबराहट में अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। पता नहीं, बिहार ही वो धरती है जहां देश का दिशा तय होता है। और बिहार 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया था, और यही भारत है, यही बिहार है जहां 1974 में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जो उस समय छात्र नेता थे, उनके नेतृत्व में जाकर जेपी जी से आग्रह करके संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था। पूरे देश में परिवर्तन हुआ था। लालू देंगे, नीतीश देंगे, दिशा कौन देगा इस परिवर्तन का? इस परिवर्तन में महागठबंधन देगा, और महागठबंधन के सारे नेता का कद बराबर का चीज है। और चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उप मुख्यमंत्री आइकॉन जो हैं, नौजवानों का आइकॉन तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, और लालू प्रसाद यादव सबके गुरु हैं, इसलिए उनके नेतृत्व में ही पूरे बिहार के महागठबंधन के लोगों के द्वारा पूरा देश को दिशा दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 200 करोड़ करके खरीदा जा रहा है विधायकों को। नहीं नहीं, ये आशंका व्यक्त की गई है कि पूरे दूसरे देशों से पैसा पंप किया जा रहा है, क्योंकि ये तो अंग्रेजों के दलाल रहे हैं लोग ना, तो अंग्रेजों से बहुत इनका रिश्ता बीजेपी वाले लोग का अच्छा रहा है, इसलिए पैसा उधर से ही पंप किया जा रहा है। आशंका है, लेकिन उससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। यहाँ महागठबंधन इंटैक्ट है, यहाँ कोई भी तोड़ने को तैयार होगा वो अपने टूट जाएगा। शिक्षकों का बाहर महाजुटान है, आप शिक्षकों का महाजुटान हो रहा है। कोई नाराजगी उनकी नहीं थी, वो लोगों को दिखा रहे, कह रहे थे कि अपनी बातों को कह रहे थे कि हम लोग को कैसे एकजुटता रहना है। कोई ऐसे वैसा बयान नहीं देना चाहिए जिन लोगों में भ्रम पैदा। कोई आरोप है? कॉल टैप करके जो है विधायकों, अरे सुशील को मोदी का कोई राजनीतिक औकात है? उनका कोई जवाब हम लोग नहीं देते। शिक्षकों के समर्थन में एक महाजुटान करने वाली है। शिक्षक बंधु पूरे तौर पे जानते हैं कि ये सब्ज बाग दिखा रहे हैं और हमारे चलते राजनीति कर रहे हैं। शिक्षकों का सारा मामला सॉल्व होने वाला है। मैं शिक्षक बंधुओं से आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि इनके झांसे में नहीं आना है। बिहार सरकार आदरणीय नीतीश कुमार और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव आपकी मांगों पर विचार करके निश्चित रूप से महागठबंधन फैसला लेने वाला है। तो जैसा कि आपने सुना कि जिस तरह से भाई वीरेंद्र ने कहा है कि बिहार से किसी भी आंदोलन की शुरुआत की जाती है, जिस तरह से गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत किया था और 1974 में जेपी आंदोलन यहीं से शुरुआत हुई थी, तो उसी तरह अब जिस तरह से महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट है और इसके पूरे आइकॉन जो इनके गुरु हैं महागठबंधन के गुरु लालू प्रसाद यादव को बताया है, तो उन्होंने कहा है कि लालू यादव के नेतृत्व में पूरा गठबंधन एकजुट होकर के एक नया आंदोलन छेड़ेगी और निश्चित रूप से
लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त देगी। सहयोगी रोहित के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्श न्यूज, पटना।